रहा हूँ बकाया कितनी है वर्ष 19-20 की। माननीय डॉक्टर आकाश जी, जब वो कह रहे हैं कि हम मार्च तक सबका भुगतान कर देंगे जी, तो अब आप सूची लेकर क्या करेंगे? माननीय सदस्य का प्रश्न ऐसे ही है जैसे कोई दान यानी भीख मांग करके दान दे रहा हो। पूछ रहा हूँ बकाया कितनी है वर्ष 19-20 की। माननीय डॉक्टर आकाश जी, जब वो कह रहे हैं कि हम मार्च तक सबका भुगतान कर देंगे जी, तो अब आप सूची लेकर क्या करेंगे? सूची कहाँ मांग रहा हूँ महोदय, केवल पूरे वर्ष का कितना बकाया होना है, कितने करोड़ रुपए। वो कह रहे हैं कि हम 31 मार्च तक भुगतान कर देंगे। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री। सभापति जी, माननीय सदस्य का प्रश्न ऐसे ही है जैसे कोई दान यानी भीख मांग करके दान दे रहा हो। पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है वह सर्वविदित है और शिक्षा से भी आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। बेसिक शिक्षा परिषद जहां RTI की आप बात कर रहे हैं, 1,32,000 विद्यालयों को माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और समाज के मानिंदों के सहयोग से ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में 40 लाख से अधिक बच्चे ज़्यादा इस समय प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर हर बच्चे को उनके यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, सॉक्स, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही फेस वाइज हम लोगों ने NCERT का ही पाठ्यक्रम, जिसे CBSE बोर्ड भी अपने यहाँ लागू करता है, UP बोर्ड में भी उसको लागू करने का प्रयास हो रहा है। तो शिक्षा में समानता, ये सामाजिक असमानता को दूर करने में भी सहायक होगा। तो जब बेसिक शिक्षा परिषद उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है तो कोई आवश्यक नहीं कि हम पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल में ही बच्चों को भेजें, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद में आप भेजिए, फ्री में सारी सुविधा सरकार उनको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और ये पिछली प्रतिपूर्ति का माननीय मंत्री ने आपको जवाब दिया है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहित करें स्कूल चलो अभियान अप्रैल में और जुलाई में इसीलिए प्रारंभ किया जाता है, एक एक पखवाड़ा इसी बात को लेकर प्रारंभ किया जाता है कि हर बच्चे को स्कूल हम भेज सकें। RTI का भी उद्देश्य यही है कि कोई भी स्कूली शिक्षा से वंचित न रहने पाए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ किया गया है। 40 लाख बच्चों की वृद्धि यह दिखाता है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम सामने आ रहा है और RTI का उद्देश्य पूरा हो रहा है।